मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू दी चैनल। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है कितना, आज है तारीख क्या है, 8 आज है 8 नवंबर। आप सभी को गुरु नानक जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अभी हम लोग, जैसे कि पिछले व्लॉग में मैंने बताया था ना कि हम लोग हल्द्वानी आए हैं, मम्मी लोगों के यहाँ पे थी मैं। यार कैसे होते हैं, मेरा समझ में ही नहीं आता। तो अभी हम लोग ना जा रहे हैं अपनी बड़ी जिठानी के यहाँ पे, थोड़ा सा हमको शिफ्टिंग करना है, थोड़ी उनकी हेल्प करेंगे और उसके बाद फिर शाम को हम निकलेंगे घर को, क्योंकि कल बच्चों का भी स्कूल है और इनका भी ऑफिस है। तो अभी थोड़ी ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत उनकी हेल्प करके आएंगे, क्योंकि आज मार्केट में भी ट्रैफिक का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। तो जल्दी जल्दी जाएंगे हम लोग। अभी जा रहे हैं दीदी लोगों के यहाँ, थोड़ी बहुत काम वाम करेंगे, उसके बाद घर को। जेठ जी हैं वहाँ, हम लोग आए थे जेठ जी लोगों के घर पे, जो उनका नया घर बना है। तो जेठ जी बोल रहे थे यहाँ पे कोई नहीं है, जहाँ उनका रूम है ना, जो उनके गवर्नमेंट रूम है, तो वहाँ पे चले जाओ, दीदी लोग सब वहीं हैं। फिर हम लोग वहीं को जा रहे थे। उसके बाद कोई भी व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि पूरा घर अस्त व्यस्त हो रहा था ना। थोड़ा सा होता है जब इधर उधर शिफ्टिंग करने का होता है, और फिर कल ही उनके घर में थोड़ा सा पूजा थी, तो हम लोग वही दीदी लोगों के घर में गए थोड़ी बहुत, और थोड़ी बहुत काम किया, उसके बाद वापस आ गए थे। और जब मैं ना दीदी के घर गई थी, तो मेरे भैया इनको पार्क लेके गए थे, क्योंकि ताकि बच्चे बोर ना हो, मैं इनको छोड़ के गई थी। तो मेरा भाई हमेशा बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखता है बच्चों का, हमारा, अपने दामाद का, सब का। तो वही बच्चे बोर ना हो करके इनको पार्क लेके गया था, तीनों को, अपने बेटे को भी और इनको भी। तो थोड़ी बहुत क्लिप उसने ली थी, तो मुझे सेंड करी थी। तो वही मैंने सौम्य शौर्य बोल रहे थे कि मम्मा हमारी ये वाली क्लिप शेयर करना। और उसके बाद हम लोग घर आए, हमने नहाया, खाना खाया, हम लोग फिर सीधे आ गए थे। तो बस ये यहाँ पे मम्मी हमको लगा रही है टीका, वही होता है हमारे यहाँ पे जब लड़की मायके से ससुराल को जाती है। ऐसा कुछ नहीं है, बस वैसे हम लोग नॉर्मली कहीं भी जाते हैं तो टीका लगाना शुभ मानते हैं। जैसे ससुराल से हम लोग कहीं भी जाते हैं तो मम्मी हमको, मेरी सास टीका लगाती है। और जब लड़की ससुराल को जाती है, तो मतलब ये होता है कि टीका लगता ही लगता है, हमें ये रिवाज है। तो वही मम्मी यहाँ पे हमें टीका लगा रही थी। दादा और भाभी मेरे, फाइनली हम लोग निकल गए हैं घर को, रामनगर को। सुबह दीदी लोगों के यहाँ गए, बिल्कुल भी कोई भी व्लॉग नहीं बनाया, टाइम ही नहीं मिला उनका, इतना अस्त व्यस्त हो रहा था सब कुछ। फिर घर आए मम्मी लोगों के यहाँ, और उसके बाद नहाया हम लोगों ने, खाना खाया और सीधे आ गए, क्योंकि परसों हमें जब हम लोग आए थे ना, हम लोग 4 बजे घर से निकले थे, तो बहुत रात में पहुंचे थे हम लोग, लगभग 7:30-8 बजे पहुंचे थे, ट्रैफिक इतना मिला था हमें। तो बस वही है, अभी 3 बजे है, तो शायद टाइम से पहुंच जाएंगे आज, अगर ट्रैफिक नहीं हुआ कहीं पे। तो बस निकलते हैं, फिर मिलते हैं आप रामनगर जाके।
नींद आई थी अभी हम लोग पहुंचे रामनगर मार्केट में, तो थोड़ी बहुत सामान लेना है घर के लिए, वो लेते हैं फिर निकलते हैं। 3 दिन से हम लोग इतना थके हैं, ये भी सो गए थे और मैं भी सो गई थी, पता नहीं कब नींद आई तो पता ही नहीं चला। जिससे हम लोग उधर रामनगर पहुंचने वाले थे तो हस्बैंड कह रहे थे उठो रामनगर आ गए, इतनी भयंकर नींद आई वहाँ से निकले ना। अभी थोड़ा सा सामान वामान लेते हैं फिर, आ जा वरना। मुझे हाफ चाहिए था तो मेरे पास था। प्रीति अपने लिए कुछ ज्यादा ऑप्शन नहीं थे और कॉस्टली थी ज्यादा, और मतलब 6-7 जैकेट से ज्यादा नहीं दिखा रहे थे, फिर नहीं खरीदा मैंने आगे, कभी देखेंगे। गए हैं अभी गाड़ी का पॉल्यूशन चेक कराने, कितनी प्रॉब्लम होती है अपनी गाड़ी होती है, कभी सर्विस कराओ, इंश्योरेंस कराओ, पॉल्यूशन कराओ, टायर की हवा चेक कराओ, ना दिमाग खराब। और फिर अभी जो परसों हस्बैंड ने बैटरी अपने हाथ से लगाई थी ना, उसको भी थोड़ा सा अच्छे से सेट करना है, ये बोल रहे थे कि कुछ तार वार उसके ढीले हो रहे हैं, तो वो सेट कराएंगे अभी आगे जाके। मैं इतना बड़ा हो गया, पानी की जरूरत है इनको, और धनिया भी जम गया, जब मैं गई थी ना उस टाइम पे धनिया नहीं जमा था, आज जम गया। इनकी हालत इतनी गंदी हो रही है, पूरा मुझे सफाई करना पड़ेगा, क्योंकि और टाइम पे मम्मी लोग होते हैं ना तो फिर मम्मी लोग देख लेते हैं घर, तो आज पूरा इतना गंदा हो रहा है।